गणित में कथन को सिद्ध करने के लिए निगमनिक तर्कण यानी डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करते हैं जिससे व्यापक रूप से किसी भी कथन की सत्यता जांची व स्थापित की जा सकती है व्यापकता के लिए हम यहाँ एक त्रिभुज की कल्पना करेंगे जिसके आकार कोणों की माप आदि के बारे में हम कुछ नहीं जानते अर्थात वे कुछ भी हो सकते हैं इससे हमारा निष्कर्ष हर त्रिभुज पर लागू होगा प्रमेय एक किसी त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 अंश होता है उपपत्ति एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया है जिसके कोण क्रमशः कोण क्रमांक एक कोण क्रमांक दो और कोण क्रमांक तीन है हमें सिद्ध करना है कि कोण क्रमांक एक धन कोण क्रमांक दो धन कोण क्रमांक तीन बराबर 180 अंश रचना क्यू आर के समांतर बिंदु पी से होती हुई एक रेखा एक्स पी वाई बनाए ताकि समांतर रेखाओं के गुणों का उपयोग कर सकें आकृति में कोण क्रमांक चार धन कोण क्रमांक एक धन कोण क्रमांक पांच बराबर एक सौ अस्सी अंश चूंकि एक्स पी वाई एक रेखा है कोण क्रमांक चार बराबर कोण क्रमांक दो और कोण क्रमांक पांच बराबर कोण क्रमांक तीन एकांतर कोणों का युग्म है कथन एक में कोण चार और कोण पांच का मान रखने पर हमें मिलेगा कोण क्रमांक दो धन कोण क्रमांक एक धन कोण क्रमांक तीन बराबर एक सौ अस्सी अंश यानी कोण क्रमांक एक धन कोण क्रमांक दो धन कोण क्रमांक तीन बराबर एक सौ अस्सी अंश इसमें कोण क्रमांक एक व कोण क्रमांक दो का अलग अलग मान व पी क्यू क्यू आर आदि की लंबाई कुछ भी हो सकती है शर्त यह है कि त्रिभुज बन पाए ज्यामिति में कथनों को सिद्ध करते समय हम अक्सर रचना करते हैं इस उपपत्ति में हमने एक समांतर रेखा एक्स पी वाई खींची जिससे हम एकांतर कोण प्रमेय का उपयोग कर पाए करके देखें सिद्ध करें कि पहला किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ अंत कोणों के को योग फल के बराबर होता है दूसरा किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं तीसरा किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है चौथा दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं गणितीय भाषा का उपयोग करके सटीक संक्षिप्त एवं स्पष्ट भाषा में लिखना प्राकृतिक संख्या के इस गुण धर्म को पढ़ें एन वन धन एन टू बराबर एन टू धन एन वन सभी एन वन एन टू अवयव हैं एन के तो क्या आप बता सकते हैं कि यह प्राकृत संख्या का कौन सा गुणधर्म है यह कथन प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ के क्रम विनिमय यानी कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी के गुणधर्म को बताता है यानी शाब्दिक तौर पर कहें तो किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ उनके क्रम बदल कर जोड़ने पर भी समान रहता है कथन में इसी बात को कुछ अक्षर प्रतीक यह चिन्हों की मदद से संक्षिप्त में लिखा गया है जैसे दो प्राकृतिक संख्याओं को एन वन और एन टू से दर्शाया गया है साथ ही दो नए संकेत सभी के लिए और का अवयव है भी है यह छोटा सा गणितीय कथन यह बताता है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किसमें किसका योग कर रहे हैं इसका अर्थ यह है कि हम एन वन और एन टू को मान बदल कर कोई भी प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं और हर मान के लिए एन वन धन एन टू बराबर एन टू धन एन वन प्राप्त होता है इसी तरह से हम गुणा के लिए भी क्रम विनिमय के नियम को लिख सकते हैं अब प्रमेय संख्या की निम्नलिखित परिभाषा को पढ़ें जिसे अक्षर प्रतीकों की मदद से लिखा गया है Q बराबर पी बटे क्यू जहाँ पी और क्यू अवय है आई के और क्यू बराबर नहीं है शून्य के किसी परिमेय संख्या क्यू को पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं जहाँ पी क्यू कोई दो पूर्णांक है और क्यू का मान शून्य नहीं हो सकता करके देखें निम्नलिखित गणितीय कथनों को शब्दों में लिखिए एक ही घात एम गुणित एक ही घात एन बराबर की घात एम धन एन जहां a, एम और एन अवयव है एन के दूसरा पी कोष्टक में एक्स धन वाई कोष्टक बराबर पी एक्स धन पी वाई जहां सभी पी एक्स वाई अवयव है आर के तीसरा प्राकृतिक संख्याओं के सभी गुणधर्मों को प्रतीक भाषा में लिखें